प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आरओ का बैच स्टार्ट किए थे, बैच पढ़ भी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं के कारण आपका बैच बीच में बाधित हुआ। उसके लिए हम आपसे क्षमा मांग चुके हैं इसके पहले वीडियो में, फिर से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हम आपने इतना इंतजार किया, आपने विश्वास बनाए रखा, इस बात के हम आपके ऋणी। जब मैंने वीडियो को बताया था कि मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, आपको फ्री में एजुकेशन देने वाला हूं, सारी क्लासेस के बारे में जब मैंने आपसे चर्चा की थी, उस समय ही मैंने स्पष्ट रूप से आपसे बताया था कि जो हमारी क्लासेस होंगी वो यूपीपीएससी से निकलने वाले पोस्ट, जो यूपीपीएससी से निकलता है आरओ का, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के निकलने वाली व्यक्ति की 2020 के पदों के बारे में, संख्या के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्लासेस के बारे में हमने आपसे ऑलरेडी बता रखा है, फिर से बताने चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम गौर करें तो एक बार एक नोटिस आई पेपर में, दैनिक पेपर जो आपके होते हैं अलग अलग, तो उस दैनिक पेपर में बताया गया कि आरओ के जो पोस्ट है वो लगभग 570 से 90 पोस्ट आने वाले हैं 2020 का। परंतु ऐसा हुआ नहीं, ये पोस्ट घट गए। फिर बाद में एक पेपर में भी आया कि मुझसे, मैंने आपको पेपर कटिंग के माध्यम से भी दिखा रखा था, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपके पोस्ट 172 हो गए। फिर एक दिन, कुछ दिन पहले एक नोटिस आई, और उस नोटिस नहीं थी बल्कि पेपर में ये दिया गया कि पदों की संख्या 340 से 390 हो सकती है, यानी कुछ क्लियर नहीं है। जो हमारे दैनिक पेपर है उसमें भी गलत न्यूज आ रही है, क्योंकि अस्पष्ट न्यूज की अगर बात करें तो उनके पास भी कोई सत्य समाचार नहीं है, और उसे लेकर के अलग अलग यूट्यूबर, अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं। कई मित्र ऐसे हैं जिन्होंने हर एक वीडियो पे असत्य शब्दों का प्रयोग किया है, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा टैलेंटेड हूं। इंग्लिश बोलने से और इंग्लिश लिख देने से आप टैलेंटेड नहीं होते। इंग्लिश एक भाषा है, ना कि वो एक डिग्री है। वो टैलेंट होने का कोई वो नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता। आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कमेंट कर दिए तो सामने वाला पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामने जो खड़ा है वो इंग्लिश को जानता है, समझता है। तो अगर आप इतने बड़ी वैकेंसी में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको इतनी सारी जानकारियां तो होनी चाहिए। जब पेपर की कटिंग नीचे वीडियो में लगाई गई है, पेपर में दिखाए गए पोस्ट आपको बताए जा रहे हैं, तो फिर वहां एक कहने की जरूरत क्या है कि तुम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुए हो। भाई, मैं अगर अध्यक्ष होता तो मैं कब की वैकेंसी करा देता। मैं अध्यक्ष नहीं हुआ हूं, ना तो मैं कोई हूं, एक सामान्य सा नागरिक हूं, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं। मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूं, ना तो मैं कोई सचिव हूं, ना मैं पोस्ट निकालता हूं। पोस्ट के बारे में वैकेंसी अलग अलग माध्यमों से जब पता चलती तो आप तक पहुंचा दी जाती, जिससे आप किसी भी काम में व्यस्त हो तो उस बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो इस बात पे टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब होता नहीं है। कुछ लोग ग्रुप पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो कुछ लोग वहां कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका ग्रुप एक स्पेशल टाइप से बनाना पड़ा मुझे। अब बात कर रहे थे कि आरओ की क्लास कैसे करेंगे। आरओ की क्लासेस 20 क्लास हम लोग कर लिए हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कुछ चली थी, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग ब्रह्म समाज तक पढ़ लिए थे। 1857 की क्रांति से स्टार्ट किए थे, राजा राम मोहन राय तक पढ़ लिए थे, ब्रह्म समाज तक पढ़ लिए थे। ब्रह्म समाज के बारे में सारी जानकारियां हम लोग अर्जित कर लिए थे बुक की क्लास से। उस क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा, उससे पहले आपकी क्लासेस इस माध्यम से भी शुरू की जाएंगी, वीडियो के माध्यम से। वीडियो के माध्यम से दो क्लासेस आपको पढ़ना जरूरी है, एक है आपको पर्यावरण और दूसरा जो क्लास होती है वो होती है ज्योग्राफी की। साइंस की भी क्लासेस आपको वीडियो के माध्यम से पढ़नी पड़ेगी, खास करके जीव विज्ञान, क्योंकि वहां पे अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर से चीजों को समझना है, तो मजबूरी है कि हमें वीडियो क्लास जरूरी है। ठीक, हम बुक से नहीं पढ़ सकते उसे। तो पहला वीडियो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए, वो होगा आपका पर्यावरण से। पर्यावरण को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पर्यावरण का साइंस विज्ञान अप्रोच पढ़ेंगे, पर्यावरण का ज्योग्राफी का अप्रोच पढ़ेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8 से 12 क्वेश्चन का महत्व है पीसीएस में, और पर्यावरण का एक सबसे ज्यादा महत्व है। जो हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेट देना चाहते हैं, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि स्ट्रेटजी क्या है टेट की आपकी, तो उसके बारे में बता दो। कम से कम आप पर्यावरण अगर यहां से हमसे पूरा पढ़ते हैं, पर्यावरण हमारा टारगेट है, हम 30 से 45 क्लास में इसको खत्म करेंगे। 30 से लेकर के 45 क्लास में पूरा पर्यावरण आपका खत्म करने वाले हैं, जो टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी पीसीएस आप देंगे,
या आप किसको देंगे, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर देंगे या किसी राज्य का पीसीएस देंगे, तो वहां पे ये पर्यावरण आपको बहुत महत्वपूर्ण कर, खास करके फिर आप सी टेट दें, यूपी टेट दें या किसी और राज्य का टेट दें, तो वहां पे ये पर्यावरण आपको कम से कम 30 क्वेश्चन आते हैं जो आपके, उसमें से 28-27 क्वेश्चन बड़े आराम से दे सकता है। 28-27 क्वेश्चन आपके 30 नंबर में बड़े आराम से मिल सकता है, ये मैं आपसे विश्वास दिला सकता हूं और आपको बता भी सकता हूं। तो हम लोग पहले पर्यावरण पूरा करेंगे, बुक की क्लासेस जहां चल रही ब्रह्म समाज के आगे से बुक की क्लासेस करेंगे, उसके बाद पर्यावरण खत्म होने के बाद हम लोग जागरफी स्टार्ट करेंगे, यहाँ जागरफी खत्म होगा, जब तक जागरफी हमारी स्टार्ट होगी वहां पे हमारी बुक की क्लास आधुनिक भारत के इतिहास समाप्त हो चुका होगा, संविधान की बुक की क्लास खत्म हो जाएंगी। इसके तुरंत बाद चूंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे मित्र उसमें भी शामिल होंगे, संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, तो आगे चल के हम इस वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे, पर्यावरण खत्म होने के बाद संविधान को ऐड करेंगे, तो संविधान और जागरूकता की दो क्लासेस रेगुलर मैनर में आपको मिलेंगी। यानी आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके कमेंट जो आ रहे थे उस बात से हम सहमत थे कि आपको जरूरत थी और मैं उस समय नहीं था, तो आपकी सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी, हिंदी की भी क्लासेस पूरी दी जाएंगी, 6 पेपर जो 6 चैप्टर आते हैं वो 6 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर कराया जाएगा ताकि जो प्रैक्टिस पेपर हम लोग करेंगे उसी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से कर सकें। प्री की स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे थे, बेहतर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पे आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप मान लीजिए कि आपके लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं, आपके लिए सारे कार्य चालू हैं, अब चलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी पर्यावरण पे, एक वीडियो आज आप पर्यावरण का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रम आगे बढ़ेगा। एक वीडियो की लेंथ लगभग आपकी 30 से 35 मिनट की होगी, जिसे आपको पढ़ने में कोई बोरियत नहीं महसूस होगी, आप इंटरेस्टेड रूप से पढ़ सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं, टाइम भी पूरा है, भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।